हेलो फूडी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज रेसिपी विद मी। आई एम बैक विद अ न्यू रेसिपी ऑफ कस्टर्ड मिल्क शेक। ये है हमारा छोटा सा कस्टर्ड का प्लांट, तो इसमें एक कस्टर्ड पक चुका है। सो आई थॉट टू शेयर कस्टर्ड मिल्क शेक रेसिपी विद यू ऑल। कस्टर्ड मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़े से मिक्स्ड फ्रूट्स, आप अपनी पसंद के ले लीजिए। और ये है कस्टर्ड पल्प जो मैंने सीड से अलग कर लिया है, और थोड़ी सी शुगर और मिल्क। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। मैंने यहाँ पे दूध को गर्म करके उसमें हाफ स्पून कस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाया है। कस्टर्ड पाउडर इसलिए ताकि फ्लेवर आए कस्टर्ड का, और हल्दी इसलिए क्योंकि हल्दी वाला दूध तो बहुत ही हेल्दी होता है ना, तो इसलिए हल्दी पाउडर। अब मैं इसे करूँगी ब्लेंड, तो ये सारा दूध पोर कर लेती हूँ ब्लेंडर में। अभी शुगर ऐड करूँगी 2 स्पून, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मैंने यहाँ से 2 चम्मच ले लिए। और ये कस्टर्ड का पल्प जो मैंने सीड से अलग कर लिया है, अच्छे से ब्लेंड करना है हमें इसे। और थोड़ा सा हनी भी मिलाया है 1 स्पून। ये देखिए गाइस, ब्लेंड करने के बाद मैंने इसे छान भी लिया था ताकि पल्प रहे भी तो वो निकल जाए। तो अब हम इसे ग्लास में पोर कर लेते हैं। उससे पहले हम थोड़े फ्रूट्स डालेंगे, अपने मनपसंद फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे मैंगो लिया है, एप्पल लिया है, पोमोग्रेनेट लिया है, ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डेकोरेट करने के लिए है वो। और उसके बाद मिल्क को ट्रांसफर कर लिया ग्लास में। के ऊपर से 2 काजू और किशमिश डाल दिए। तड़ा, रेडी है हमारा कस्टर्ड मिल्क शेक।